नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। कब से शुरू होगा खरमास? जब बंद हो जाएंगे सभी शुभ कार्य, ऐसा करें सूर्य देव की पूजा। नई दिल्ली। हिंदू धर्म में खरमास का समय बहुत ही महत्व रखता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार खरमास साल में दो बार लगता है। राशि चक्र के अनुसार ये साल का पहला खरमास है। माना जाता है कि खरमास की अवधि में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य जैसे शादी, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश और नया व्यवसाय आदि कार्य करने से बचना चाहिए। ये कुल एक माह तक चलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दौरान खरमास 2024 भगवान सूर्य की उपासना का विधान है। ऐसे में इस समय भगवान सूर्य को जल अवश्य चढ़ाएं और उनके वैदिक मंत्रों का जाप करें। तो आइए इसकी सही डेट जानते हैं। कब शुरू और खत्म होगा खरमास 2024? खरमास 2024 स्टार्ट एंड एंड डेट। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल सूर्य देव धनु राशि में 15 दिसंबर दिन रविवार को रात्रि 10:19 पर गोचर करेंगे। इस अवधि पर धनु संक्रांति होगी। पंचांग को देखते हुए इस साल खरमास 15 दिसंबर से शुरू होगा। वहीं साल 2025 में सूर्य देव मकर राशि में 14 जनवरी मंगलवार को प्रवेश करेंगे और इसी दिन खरमास का समापन होगा। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की सही विधि। खरमास 2024 सूर्य अर्घ्य नियम। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करें। हमेशा उगते सूर्य को अर्घ्य देने की कोशिश करें। जल में रोली, अक्षत, गुड़ व लाल फूल डालकर अर्घ्य करें। फिर भगवान सूर्य को प्रणाम करें और उनके वैदिक मंत्रों का जाप करें। सूर्य चालीसा का पाठ करें। फिर धूप, दीप और कपूर से सूर्य देव की आरती करें। सूर्य देव को फल, मिठाई, घर पर बने प्रसाद आदि का भोग लगाएं। पूजा में हुई गलतियों के लिए माफी मांगें। जल चढ़ाने के दौरान सिर से लोटा नीचे रखें। जल चढ़ाते समय लाल वस्त्र धारण करें। भगवान सूर्य अर्घ्य मंत्र। खरमास 2024 सूर्य पूजन मंत्र। ओम नमः शिवाय ही गृहिणी सूर्य आदित्य क्ली ओम नमः शिवाय। ओम ही गृहिणी सूर्य आदित्य क्ली ओम। ओम आदित्य विद्महि दिवाकराय धीमहि तना सूर्य प्रचोदयात। ओम ही सूर्याय सहस्रीकरण राय मनोवंचित फलम दोहि देहि स्वाहा। ओम अहि सूर्य सहस्रांशु तेजु राशि जगतपति अनुकंपयमा भक्तया घृणाघ्य दिवाकर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।